बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कॉमेडी मूवी है. और लव रंजन जो प्यार का पंचनामा और सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी मूवीज़ बनाते हैं, तो बहुत मज़ा आया देख के. शुरू से लेके फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ऐसे लगा कि उतना ये नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ में इट गोज़ टू अनदर लेवल. श्रद्धा और रणवीर का जोड़ी कैसे लगी? बहुत अच्छी, बहुत ही सिजलिंग केमिस्ट्री है और दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा. म्यूज़िक बहुत अच्छा प्रीतम का, डायरेक्शन एज ऑलवेज लव रंजन का बहुत बढ़िया है और स्टोरी बहुत अच्छी है. लास्ट में दिखाया फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर है, सो कैसे हमें अपनी फैमिलीज को, रिलेशनशिप्स को संजो के रखना चाहिए. तो इट्स अ गुड मैसेज एंड सेकेंड हाफ इज़ वेरी गुड. फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपको बीच बीच में से लग सकता है फोर्स्ड ह्यूमर है, कॉमिक पंचेस, इतना मज़ा नहीं आएगा. लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा का भी कैमियो है, तो मज़ा आएगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई थिंक दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर, और बहुत ही मतलब बहुत एंडेयरिंग है दोनों, तो दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा. और उसके साथ साथ जो भी मतलब सॉन्ग्स वगैरह बहुत अच्छे से शूट किए गए, जैसे वो बेदर दिया, उनकी डायरेक्शन बहुत बढ़िया है लव रंजन का, और बहुत अच्छे से शूट किए गए सॉन्ग्स, मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं. सो हितेश सोनी का बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है और म्यूजिक भी बहुत अच्छा है प्रीतम का. पब्लिक को माइंड से भी खेलना है और इसमें वो सारी चीज़ें कहीं भी नज़र नहीं आया. डेली सोप देखने के लिए हम लोग नहीं आते यार. लव रंजन के सारे पिक्चर्स आई नो हिट से हिट गए हैं, बट आई होप सो कि ये हिट जाएगा. दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी? केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी गई है, बिकॉज रियल लाइफ और रियल लाइफ उनका दोनों एक्चुअली में एग्जैक्टली बहुत अच्छे लेवल पे है. और इसमें जो है दो चीज़ें बहुत अच्छा मुझे लगा. एक जो उनके फ्रेंड का जो कैरेक्टर किया है वो लेवल पे किया उन्होंने, भाई ने. और दैट इज, मैं कार्तिक आर्यन की भी एंट्री थी वो भी मतलब लोग एग्जैक्टली कार्तिक आर्यन की भी एंट्री थी और सम टाइम्स था, बट अच्छे लेवल पे गया वो. किसका काम अच्छा लगा? काम सभी का बहुत अच्छा, सभी ने 1000% दिया. सीन्स एक ही क्रिएट है जो इसमें एक मतलब फैमिली के लिए जो है उसने बॉयज मतलब बॉय जो है फैमिली को नहीं छोड़ता है बल्कि गर्ल्स को डिच करता है, और ये होना भी चाहिए, हर जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है, है ना. तो ये लव स्टोरी जो था वो बहुत अच्छे लेवल पे गया. सॉन्ग देख कर ही सब लोग आए थे, ठुमका जो सॉन्ग था उसी को देख कर पिक्चर्स देखने के लिए आए. डायरेक्शन कैसे लगी? डायरेक्शन बहुत अच्छा. क्या कुछ मूवी से मैसेज आया, सीखने को क्या कुछ मिला? सीखने को यही चीज़ मिला कि लव ठीक है बट फैमिली को वॉकआउट नहीं करना चाहिए कभी भी. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहिए? 5 में से 3. मूवी को जी. और रणबीर कपूर को? उसका तो 5 में से 5. और श्रद्धा कपूर को? 5. वेलकम सर. तू झूठे में मत कर. कैसी लगी मूवी? इट्स अमेजिंग मूवी, बहुत मिक्स्ड इमोशन है, सब है, मस्ट वॉच. केमिस्ट्री कैसी लगी? जबरदस्त. काम किसका अच्छा लगा सबसे ज्यादा? ऑफ कोर्स रणबीर, दोनों ही अच्छे थे, बट इवेंचुअली रणबीर और बस्सी का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने मिला. इट्स अमेजिंग वन. मूवी के अंदर कोई पार्ट सीन हो जो आपको पसंद आया हो? आई थिंक ये रणबीर की पूरी लाइफ रही है, पूरी रील एक साथ बता दी है, तो ओवर आई मीन एंटायर मूवी अच्छी है यार, आप जाओगे तो आपको ही पता चलेगा. डायरेक्शन कैसे लगा? अमेजिंग. लव रंजन ऑलवेज बीन फेवरेट. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे रणबीर को? एंटायरली 10. मूवी को? ऑफ कोर्स 10 यार. नो वरीज. थैंक यू. अच्छा मूवी देख के आ रहे हो? तू झूठी में मत कर. कैसी लगी? बहुत अच्छी थी. कोई ऐसा मूवी का पार्ट हो, सीन हो जो आपको पसंद आया? लास्ट का सीन बहुत अच्छा है. केमिस्ट्री कैसी लगी रणबीर और श्रद्धा की? बहुत अच्छी है रणबीर और श्रद्धा की केमिस्ट्री. किसका काम अच्छा लगा? सबका. सबका काम अच्छा लगा. डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन बहुत अच्छा था. आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 4.5. रणबीर को? 4.5. झूठी में मक्कर. कैसी लगी मूवी? वन टाइम वॉच है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा भी लगा, मतलब इनफैक्ट स्टोरी अच्छी लगी, मूवी भी अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग भी लगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकेंड हाफ थोड़ा डाउन है, बट कहीं ना कहीं है ना आपको स्टोरी की वजह से ना बहुत पकड़ के रखेगा, क्योंकि स्टोरी कॉन्टेंट बहुत स्ट्रांग है. लव राजन का मूवी है तो इनफैक्ट स्टोरी निकलना ही है स्ट्रांग. इनफैक्ट इसमें एक जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है उनका नाम अभिमन्यु सिंह है, वो उनका अच्छा लगा, स्पेशली रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, फिर और जो डिंपल कपाड़िया. स्पेशली इसमें शॉकिंग न्यूज़ ये भी मिला कि बोनी कपूर भी है इसमें, हालांकि पता भी नहीं था जबकि इसके डैड के रोल निभा रहे. बोनी कपूर को देख के मैं शॉक हो गया. फिर इसमें और एक छोटा हिंट है, वो रिवील नहीं करूँगा, उसके लिए मूवी देखना पड़ेगा. इसमें और दो जन का कैमियो है, तो वो थिएटर में आके देखना, आपको पता चलेगा कौन है वो दो जन. स्टोरी अभी देखा जाएगा ना, लव राजन की स्टोरी है तो उसका पता ही है कैसा रहता है हर मूवी, चाहे कोई भी उठाओ, प्यार का पंचनामा हो, सोनू की टिट्टू की स्वीटी, और ये
तू झूठी मैं मक्का। उनका ऐसा है ना कि उनके मेरे को लगता है जिंदगी में खुद की जिंदगी में ऐसा हुआ है, पहला प्यार हासिल करो फिर धोखा लो फिर वापस से हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट करो। तो उनके लाइफ के मतलब जो हर स्टोरी जैसे रहती है ना उनकी लव एंगल का ही रहता है, और इसका भी स्टोरी एंगल बहुत स्ट्रांग है, और इनफैक्ट मेरे को लगता है पब्लिक बहुत अप्रिशिएट करेगी, पसंद भी करेगी। सॉन्ग्स मेरे को बहुत बढ़िया लगा, जो फर्स्ट हाफ में जितने भी सॉन्ग्स बताया ना, प्यार किया तो डर मतलब फर्स्ट हाफ में जितने भी सॉन्ग्स है ना मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इसके बाद सेकंड हाफ में जो सॉन्ग आया ना, एक अरिजीत सिंह का और एक ठुमका वाला, वो इतना पसंद नहीं आया, बट ठीक है, बट फिर भी बहुत एंजॉय किया मैंने मूवी को और बहुत पसंद किया। स्टोरी लव रंजन की ऐसी होती है टिपिकल, जो उनका मतलब हमेशा लड़की को ही नेगेटिव दिखाया जाता है, इसमें भी वही है, बट ठीक है। मतलब फर्स्ट हाफ वॉज लिल स्लो, थोड़ा उसमें हो सकता था, बट सेकेंड हाफ आते आते इट वॉज रियली वेरी फनी। एंड अनुभव सिंह बस्ती की मैं बात करूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके वन लाइनर्स, उनकी कॉमिक टाइमिंग सब सुपर। सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग सारे अच्छे हैं, लेकिन ओ बेदर्दिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, काफ़ी दिल को छू लेने वाले थे, सो लव। गाने अच्छे हैं। दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी? बहुत 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 सुपर हिट पिक्चर। डायरेक्शन का? डायलॉग्स भी बहुत अच्छे, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। सॉन्ग्स बहुत अच्छे। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहते हो? 4। रणबीर कपूर को? रणबीर कपूर को 5। थैंक यू सो मच सर। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? तो झूठी मैं मक्कार। कौन झूठी और कौन मक्कार रंगीला बताना चाहो? मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट टाइटल इतना फनी है, और इस मूवी का सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो उसका कॉन्सेप्ट, और उसका रीजन है कि ये कॉन्सेप्ट आज की जनरेशन को बहुत कनेक्ट करता है, क्योंकि ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है आजकल, बहुत ये चीज़ें आम है। मैसेज तो कुछ हम फिल्में ज्ञान सीखने के लिए तो नहीं आते, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, और 90 मिनट्स मैंने बहुत इंटरटेनिंग फील किया है, मुझे बहुत अच्छी लगी, और एटलीस्ट एक फैमिली ड्रामा है तो एटलीस्ट आपको भी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। कोई ऐसा पार्ट हो सीन जो आपको पसंद आया हो? मुझे ओवरऑल पूरी मूवी अच्छी लगी है, क्योंकि मोस्टली 90% सीन में रणबीर कपूर थे, और जिस सीन में वो होते हैं वो सीरियस सीन को भी ना कॉमेडी बना देते, मतलब एंटरटेनमेंट फील करवाते हैं, जो कि सिनेमा का सबसे बड़ा माध्यम होता है एंटरटेनमेंट, और जिस मूवी में रणबीर कपूर है वो मतलब फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स किस तरह के थे? सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, डीजे पार्टी सॉन्ग है, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी बहुत पसंद कर रही हूँ, और बहुत धमाल मचा रहे हैं, हमने बहुत इंजॉय फील किया।